खबर आपको दें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की हालत ज़ार का नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार कल 3 बजे अस्पताल का दौरा करेंगे। यूसीएच का बड़ा नाम होता था, इस अस्पताल को ठीक किया जाए, चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। बात कर लेते हैं, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, कहिएगा, चीफ जस्टिस की जानिब से क्या कहा गया है? जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब ने यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की हालत ज़ार का असर नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस ने ऐलान किया है कि वो कल दोपहर 3 बजे यूसीएच का दौरा करेंगे। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए कि मसीही बरादरी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उन्हें महरूम किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक वक्त होता था कि यूसीएच अस्पताल में बड़े बड़े लोग इलाज करवाने के लिए आते थे, लेकिन इंतजामिया की गफलत के बायस अब इस अस्पताल की हालत ये है कि यहाँ पर इलाज होना मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि यूसीएच को असल हालत में बहाल करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है और इंतजामिया को यूसीएच अस्पताल हर सूरत बहाल करना होगा। अदालत ने मजीद कार्रवाई कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल जब वो इसका दौरा करेंगे तो मौके पर ही यूसीएच की हालत इजार को बेहतर बनाने के लिए अहकाम जारी करेंगे। जी, शुक्रिया आपका अशफाक।